हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के वीडियो में हम लोग मुहावरे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बोलचाल की भाषा में हम हमेशा यूज करते रहते हैं, जैसे कि पानी पानी होने का अर्थ क्या होता है, और नाक में दम करना किसी को बोल देते हैं उसका मीन्स क्या होता है, ये सब हमारे मुहावरे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 30 यानी 30 महत्वपूर्ण मुहावरे को यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप 30 मुहावरे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं आपको एग्जाम में ले करके आपको काफी ज्यादा ये हेल्प कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे यहाँ पे हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है पछताना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना कहने का मतलब क्या है, कठिनाई झेलना, मीन्स बहुत कठिनाई झेलना, ठीक, बहुत परेशानी झेलना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ होता है लालच आना, यानी लालच होना, ठीक। मुंह में पानी आना किसी को नहीं बोल देते हैं कि बोलचाल की भाषा में कि मुंह में पानी आ गया, इसका मतलब होता है लालच होना, ठीक। याद करते चलिए, जैसे कि आप अपने 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी मुहावरे से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी वहां से आपको ये कवर हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा पानी पानी होना। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है हमारा, तो लज्जित होना, ठीक। लज्जित मीन शर्मिंदा होना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं शर्मिंदा होना, मीन्स लज्जित होना, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है फूले न समाना। फूले न समाना मुहावरे का अर्थ हमारा बहुत खुश होना, ठीक। फूले न समाना मीन्स बहुत खुश होना। फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे हमारा है पानी उतारना। पानी उतारना मीन्स मुहावरे का अर्थ होता है इज्जत लेना। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है इज्जत लेना। नेक्स्ट हमारा नाक कटना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, तो इज्जत जाना, ठीक। नाक कटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इज्जत जाना, ठीक। नहीं बोलता है कि अरे ये तो नाक कटवा दिया ये लड़का, यानी इज्जत उसका चला गया, ठीक, यही इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा नाक में दम करना। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। नाक में दम करना बहुत परेशान करना, ठीक। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। 9-2-11 मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है चंपत होना। चंपत होना का भी यही मीन में मतलब होता है भाग जाना, ठीक। 9-2-11 होने का भी मतलब भाग जाना, और चंपत होने का मतलब भी है यहाँ पे भाग जाना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे नाक का बाल होना, मतलब बहुत प्यारा होना। नाक का बाल होना मीन्स बहुत प्यारा होना, यानी बहुत प्रिय व्यक्ति। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट है हमारा गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है ढींग हाँकना। ढींग हाँकना, ढींग हाँकना मतलब बहुत बड़ा बड़ा फेंकना, ये गाल बजाने का मतलब ही होता है। गले का हार। गले का हार मीन्स बहुत प्यारा, बहुत प्यारा होना। गले का हार बहुत प्यारा, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है खून खौलना। खून खौलना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, तो गुस्सा चढ़ना। खून खौलना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा चढ़ना, ठीक, मतलब बहुत गुस्सा आना। कलेजा कांपना। कलेजा कांपना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो डरना, ठीक। कलेजा कांपना मुहावरे का अर्थ होता है हमारा डरना, मतलब बहुत डरना। कलेजा कांप रहा है मीन्स डर रहा है वो। कान देना। कान देना मुहावरे का अर्थ होता है मतलब ध्यान देना, ठीक। कान देना मीन्स ध्यान देना, जैसे कि कोई बात कर रहा है तो वहां पे वो अपने कान लगाए रखता है। कान देना मीन्स वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। कान देना मीन्स ध्यान देना। कमर टूटना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बेसहारा होना, ठीक। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है बेसहारा होना, मतलब उसका कोई नहीं होना, ठीक, बेसहारा होना। नेक्स्ट है हमारा आंखों में बसना। आंखों में बसना मुहावरे का अर्थ होता है हृदय में समाना। हृदय में समाना मतलब उसके दिल में वो समा गया है। हृदय
में समाना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आंखें खुलना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान होना, सावधान होना। अरे कोई गलती कर देता है तो कैसे बोलता है अरे मेरा तो आंख खुल गया, अब मतलब अब दोबारा गलती नहीं होगा, हम सावधान हो गए हैं। वही है इसका, आंखें खुलना मीन्स सावधान होना। आंख में धूल झोंकना मीन्स क्या होता है, तो धोखा देना, धोखा देना। आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। नेक्स्ट हमारा आंख भर आना। आंख भर आना मुहावरे का अर्थ होता है आंसू आना, आंसू आना। आंख भर आना मुहावरे का अर्थ होता है आंसू आना। नेक्स्ट हमारा आग से खेलना। आग से खेलना मुहावरे का अर्थ होता है खतरा से मोल लेना, खतरा से मोल लेना। बहुत कठिन मतलब मीन्स खतरा से मोल लेना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है आंख मारना। आंख मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आंख मारना मुहावरे का अर्थ होता है इशारा करना, इशारा करना। ठीक, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में किसी को भी बोल देते हैं बहुत दिन के बाद देखते हैं, तो ऐसे मुहावरे में बोल देते हैं कि अरे भाई तो बहुत बहुत ईद का चांद हो गया, मीन्स बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब होता है गागर में सागर भरना, मीन्स थोड़े में बहुत करना। इसका मतलब होता है थोड़े में बहुत करना, मीन्स गागर में मतलब थोड़ा कोई चीज़ है उसमें बहुत चीज़ करना, वही होता है हमारा गागर में सागर भरना। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत अनुभवी लोग। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हर प्रकार का अनुभव होना, हर प्रकार का अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीना। दाल में काला होना। दाल में काला होने का मतलब क्या है, तो संदेह होना, संदेह होना मीन्स शक होना, कुछ न कुछ तो बात है भाई दाल में काला है, तो इसका मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल होना मीन्स लापता होना। गुल्लर का जो फूल होता है ना वो बहुत दिन के बाद आता है, आता भी नहीं है, लापता होना। वही चीज़ है गुल्लर का फूल होना मीन्स लापता होना। गाल फुलाना। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है रूठ जाना, रूठ जाना। ठीक, घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ होता है कि दुख में और दुख देना, दुख में दुख देना। नमक पे कोई आपको आपके आपको कुछ हो गया और उसी में वो बात को और बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, मतलब वो घाव पर नमक छिड़क रहा है, मतलब दुख में और दुख दे रहा है। ठीक, वो इसका अर्थ होता है। छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह, बुरी तरह हराना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हराना। ये तो हमारे टॉप 30, लेकिन हम दो एक्स्ट्रा यहाँ पे करवा दिए हैं, तो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहावरे थे ये। ये आपको याद कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से, लास्ट तक देखें तो अच्छे तरीके से कहीं लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।